भाई क्या खूबसूरत है यार, ये बहुत सुंदर बना है पूरा प्रांगण। ये सो दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर, टाइम हो रहा है 9:30 शाम के, और मेरा हो गया है बैकपैक। हम जा रहे हैं फिर से एक नई ट्रिप पे, नया दिन नई ट्रिप। ये होगी मेरी 5वीं ट्रिप इस साल की, उम्मीद करता हूँ ये आखिरी ना हो। अभी 2 महीने और बचे हैं, लेकिन फिलहाल ये है उज्जैन जा रहा हूँ मैं। बाकी हर हर महादेव, मिलते हैं आगे, अच्छे अच्छे व्यूज दिखाएंगे। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और बताइए कैसा आपको लगता है मेरा चैनल। अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूँ यार, थोड़ी मेहनत करता हूँ, घूम भी रहा हूँ, आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ यार, अपने लिए भी बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बाकी सपोर्ट करिए थोड़ा बहुत, अच्छा लगेगा। मिलते हैं आगे। मेरा बैग पैक हो चुका है, बाकी कैमरा वैमरा मैंने रख लिया है। इस बार मैं ज़्यादा सामान नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि 3 ही 4 दिन की ट्रिप है, इसीलिए मिलते हैं आगे। तो भाई आ चुके हैं हम लोग कहाँ पे, ये देखो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। ये निस्वादा है मेरे बड़े भैया, और लकी भैया हैं, ये भी बड़े भैया हमारे हैं, और इस वक्त ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मेट्रो छूट गई है, 10 बजे छूट जाती है, और अभी हो रहा है 10:30। तो ठीक है, इंतज़ार कर रहे हैं, आगे मिलते हैं। ये देखो विश्वविद्यालय। तो भाई साहब आ चुके हैं हम लोग चारबाग। ये देखो कुछ नया अभी खुला है, रेल कोच रेस्टोरेंट, अभी दिखाते हैं। स्टेशन के जस्ट बाहर है ये देखो भाई, लग तो अच्छा रहा है। कुछ खाओ, पाव भाजी खाते हुए चलते हैं। रेल कोच है, वो कोच बना है अंदर बैठ के खाने वाला, बाकी बाहर का स्टॉल है। अच्छा व्यू आ रहा है, देखो भाई 5वीं ट्रिप मजा आ रही है भाई। कर रहे हैं तो भाई साहब, ट्रेन आ चुकी है अपनी साबरमती एक्सप्रेस, B1 कोच है, इजरी से चढ़ जाओ, 59 है, 59-60 और 62 रटो 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 59-60-62 जैसे अंकल जी लोग करते हैं। अरे भैया हमारी सीट है, हमारी सीट है, हमारी सीट है, रटो रटो रटो। चलो 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 चलो, ये चीज़ पता चली है भाई, ये देखो पावर बैंक मस्ट है अब तो। सो आज है 22 तारीख, टाइम हो रहा है 9:25, और हम लोग इस वक्त हैं बीना रेलवे स्टेशन पे, फ्रेशन अप हो गए हैं फिलहाल। स्टेशन तो खाली खाली है, मुझे लग रहा है ये तीसरी बार अभी हम लोग का इंजन चेंज हो रहा है, फिर जाएंगे। अभी हम लोग ने पूछा था क्यों रुकी इतनी देर हो गई काफ़ी, तो पता चला इंजन चेंज होते हैं। लखनऊ से उज्जैन के रूट में 3 बार इंजन चेंज होगा तब हम लोग पहुँचेंगे। एक झांसी है, एक बीना है, और एक झांसी से पहले कहीं हुआ था, या झांसी या बीना के बीच में हुआ था, मुझे याद पता नहीं स्टेशन का नाम, बाकी है। तो फिलहाल महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, फिलहाल 4 बजे तक पहुँचेंगे। थोड़ी लंबी जर्नी है, बैठना पड़ेगा, बोर होंगे, देखते हैं सीरीज वगैरह देखूँगा, मिलते हैं आगे दिखाएँगे। शाहजहांपुर आ गया है, यहाँ से लगभग होगा 2 घंटे का रास्ता है, दिखाते हैं आगे। और यहाँ कुछ मैटर हो रखा है, देखो स्टेशन के बाहर, मतलब मेरी सीट वाले पैसेंजर थे, वीडियो दिखाई होगी आपको, देखना उसमें विदाउट टिकट, मतलब था वो टिकट इन लोग के पास, एक पैसेंजर अलग आ गई थी किसी और के टिकट पे आके आए, वो टीटी ने माना नहीं, कहा कि विदाउट टिकट है टिकट बनेगा, तो उसी पे बहस चल रही थी। वीडियो वीडियो बनाई तो इन्होंने कहा कि वीडियो नहीं बना सकते हो, टीटी ने,
कुछ 1 फुट धारा 146 के तहत आपने बिना पूछे वीडियो बनाई, तो उस पर RPF बुला लिया। वो अलग ही मैटर चल गया, मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। फाइनली टाइम हो रहा है 4:37 और हम लोग आ चुके हैं उज्जैन। ये देखो महाकाल, आ जाओ के साथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो भाई, उज्जैन में आपका स्वागत है। हाँ, शुरुआत यहीं से कर दी है। हाँ, यहाँ फोटो खिंचवा ली जाए चल के। फिलहाल मंदिर जा रहे हैं हम, यहाँ पे सीन है जाम से। हाँ, भी तो भाई फिलहाल महाकाल की नगरी में इस वक्त हैं हम लोग, और ये देखो थोड़ा सा नज़ारा अभी मंदिर के बाहर का ऐसा कुछ है। तो भाई फिलहाल होटल से हम लोग निकल चुके हैं। ये है होटल जैन श्री है, एक ही रूम मुझे लगता है यहाँ पे, डायरेक्ट ऊपर सीढ़ी सामने वाला रूम है। अभी ऊपर जाऊँगा दिखा दूंगा। ये है होटल जैन श्री, कितने में पड़ा था लगता है होटल? 1300 रुपये, 1300 रुपये पर है। हाँ, आफ्टर डिस्काउंट। अब जा रहे हैं दर्शन करने, बाकी मार्केट वार्केट घूमेंगे। ये देखो, मिलते हैं आगे। जय महाकाल। तो कैसा लग रहा है, मजा आ रही है? अभी तो पहुंचे नहीं, अभी तो मंदिर सफर करने के बाद में अब थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है नहाने के बाद में। हाँ, सफर ठीक था, इतना लंबा नहीं था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया था जब पीटी से उन लोगों की लड़ाई हुई थी। टीटी वाला सीन तो बेस्ट था। हटेली 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 नाम है इसका, हटेली होटल। भोजनालय भी है यहाँ पे, सब खाने पीने का कोई इशू नहीं है यहाँ पर। ये देखो 6 मुखी 7 मुखी 12 मुखी रुद्राक्ष, सुन रहे हो? 1 मुखी रुद्राक्ष पैसों से नहीं, नसीब से मिलता है। महाकाल। भारत माता मंदिर। सो फिलहाल महाकाल के अंदर महाकाल के दर्शन के लिए और दर्शन के लिए आ चुके हैं। कहा था हमें भी दर्शन करवाना, हमको याद ही। ये देखो, हम सोचे कि फोन का क्या काम है, हम बम बोले। ये टिकट किस चीज का है? विहार द्वारा बसमती के दर्शन। अच्छा, पहुंचने का मार्ग। हाँ, बहुत दूर है भाई। ये देखो, यहाँ से घूम के आ गए, चलते चले जा रहे हैं। प्रसाद ले लिया है। हाँ, पकड़ो ऐसे। सुबह लाइन कहाँ पे लगती है बेटा? सुबह नारिमल वाला।
वाली लगती है और सिद्धि चौराहे। अच्छा, और वीआईपी वाली? वीआईपी वाली एक नंबर गेट, ये भारत माता मंदिर। वीआईपी का टिकट कितने का? वीआईपी का टिकट फिलहाल मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं। हर हर महादेव। क्या लास्ट फ्रेम तो बंद हो गया? ये देखो बंद नहीं हुआ है वो, बंद तो हो गया। ये देखो जय महाकाल, उधर जाना है यहाँ पे पूरा घूम के। ये देखो भाई हम लोग आ गए हैं, ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, महाकाल की नगरी अभी बन ही रहा है पूरा कॉरिडोर। आने वाले टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर बन जाएगा। कॉरिडोर तो बना ही नहीं है। नहीं भाई बालाजी इज बिगेस्ट साउथ में। हाँ सबसे नीचे उतरेंगे ये। अच्छा अंडरग्राउंड है जो उतर ली। सबसे ऊंची कौन सी है? केदारनाथ। ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग है भाई वो, और क्या। यही है सामने है वो जो दरवाजा है सामने देख रहे हो। हाँ उसी के अंदर वो दरवाजा है, वहां पे है महाकाल। हर हर महादेव, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। टाइम घड़ी नहीं पहना, 9:17। ये कितना टाइमिंग है इसके भैया, कब तक खुला रहता है ये? 6:30 से 9:30। 9:30 तक ठीक इधर से भाई, चलो सुबह 6:30 से 9:30 तक खुला रहता है। देखो कितना बढ़िया शीश नाग के साथ शंकर भगवान का प्रोग्राम। बहुत खूबसूरत है यार, जय महाकाल। कॉरिडोर में है इस वक्त हम लोग, बहुत खूबसूरत है।
अब जो है सो है। हाँ हाँ भांग तो मिलेगी आपको भी मिलाना है ना भांग। नहीं 80 वाला रबड़ी बादाम वाला है और वो खाली दूध वाला है। आपके पास 80 रुपये कैश रहेगा? आपको 80 रुपये मेरे पास कोई कैश नहीं है, टूटा ही खाली रहता है। पता नहीं पूछ लीजिए, हम तो कैश दे लो भाई। ये लो। नहीं चला तो पियोगे? हाय 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 मजा आ जाएगी, दुनिया स्लो होने वाली है। एक सिप दे दो। लो अरे लो, एक सिप ले सकते हो? एक सिप में कुछ नहीं है, मीठा ही है बे। दूध के साथ रिएक्ट करती है। एक और मान लो ऐसा कुछ सरप्राइज है, ये इसमें क्या है पहचानिए। ये है शाही टुकड़ा इन पान फ्लेवर, या बोले पान इन शाही टुकड़ा फ्लेवर। अब इसको ना भाई क्या है यू, ये देखो। अरे बेहतरीन यार। ओ बे भाई ये चक्कर ही चक्कर है। लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया है, वैसा मीठा नहीं लग रहा होगा। यही जो हमें चाहिए था। मिठाई खाने का मन पूरा हो गया। मैं उसे ढूंढ रहा था वहाँ घर में। बहुत बढ़िया रबड़ी भी रखी तुम्हारी। रबड़ी भी रखी मैं तो नहीं खा रहा। मजा आगे मिलता है।